मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर पुलिस ने ई रिक्शा में लाया जा रहा 5 टीन घी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार नकली घी के परिवहन की खबर मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करके कार्यवाही की गई और घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। गोरखपुर पुलिस ने बंदरिया तिराहे के पास एक ई रिक्शा में लाया जा रहा 5 टीन घी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि गुप्तेश्वर मंदिर के पास से बंदरिया तिराहे की ओर ई रिक्शा में नकली घी लाया जा रहा है, जिसके बाद ई रिक्शा को रोका गया और घी जब्त कर खाद्य विभाग को सूचना दी गई एवं खाद्य निरीक्षकों ने घी का सैंपल जांच के लिए भेजा है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बंदरिया तिराहे तरफ गुप्तेश्वर मंदिर से एक ई रिक्शा में नकली घी आने वाला, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना गोरखपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और बदरी तराहे के पास नई रिक्शा खड़ा हो 5 टीन नकली घी, हो सकता है संभावित नकली घी। अभी अपन ने सैंपल जब्त किए हैं, फूड विभाग द्वारा सैंपल जब्त किए गए हैं और परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। और ये जो टीम नकली घी रहा राहुल गुप्ता नाम की व्यक्ति का रहा, अभी जांच की जा रही है और सैंपल परीक्षण आने के बाद आगे की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार गुप्तेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाले राहुल गुप्ता के द्वारा घी की सप्लाई की जा रही थी। इस मामले में सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।